झारखंड में बीजेपी की सत्ता से विदाई कर महागठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ सूबे में सरकार बना ली है, जिसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है, मगर कांग्रेस की मांग से पेच फंसता नजर आ रहा है। इसी बीच पार्टी आलाकमान ने सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है, जिसे सीएम सोरेन पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अब दिल्ली दरबार तक आ पहुंचा है, जहां मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्री पद की समस्या सुलझाने के लिए कांग्रेसी नेताओं से मिले, तो वहीं अब झारखंड में कांग्रेस के सभी 16 नव निर्वाचित विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। 17 जनवरी को सुबह 10 बजे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात होगी। इसमें राज्य में कैबिनेट गठन को लेकर विधायकों की राय ली जाएगी, जिसके बाद मंत्रिमंडल पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस आधार पर 18 जनवरी या इसके बाद ही नए कैबिनेट का विस्तार हो सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं। कांग्रेस आलाकमान के साथ उनकी वार्ता भी हुई है। मंत्रिमंडल में सीटों पर जहां सहमति बन गई है, वहीं विभागों के बंटवारे का मामला अब तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। इस पर अभी भी मंथन जारी है। आपको बता दें कि जेएमएम कांग्रेस के बीच अभी तक सीटों पर तय फॉर्मूले के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष के अलावा 5 मंत्री जेएमएम कोटे से होंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से 5 मंत्री और आरजेडी से 1 मंत्री होगा। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम पहले ही मंत्री बन चुके हैं। इस आधार पर कांग्रेस कोटे से अभी भी 3 और मंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के गठबंधन के चुनाव जीतने के बाद 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। उसके बाद से कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो रही थी। ऐसे में अब देखना होगा कि कब हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और किस दल के कितने विधायकों को शामिल किया जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।